हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, लास्ट वर्कशीट हिंदी मीडियम की 8वीं क्लास की हम कर रहे हैं 23 तारीख की, कि भाई बगावत जब करती है जनता की तो उसके बाद क्या हुआ। बगावत जब फैली और कंपनी ने कैसे पलटवार किया। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ा। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कदर को नया नवाब घोषित किया गया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों को वहां से भी भगाकर नियंत्रण किया। बरेली के सिपाही बख्त खान ने भी लड़ाकों की टुकड़ी बनाकर दिल्ली की तरफ कूच किया और वह मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। कंपनी का पलटवार। कंपनी ने क्या किया, हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ी और पूरी ताकत लगाई विद्रोह को कुचलने में। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला और 1897 में दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया। मुगल बादशाह को पकड़कर, बहादुर शाह जफर को पकड़कर उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मारी गई। बहादुर शाह उनकी पत्नी को रंगून जेल भेजा गया और 1862 में यहाँ उनकी मृत्यु हुई। 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे कई साल तक किसानों की मदद, आदिवासियों की मदद से गोरिल्ला युद्ध लड़ते रहे, पर वे भी 1859 में पकड़े गए और उन्हें मुकदमा चलाकर मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का भी ऐलान किया। तो 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं के नामों की एक सूची बनाएं, तो भाई उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं कि कानपुर से पेशवा बाजीराव, लखनऊ से नवाब अली शाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी, बरेली के सिपाही बख्त खान और बिहार के जिम्मेदार कुंवर सिंह। तो ये आप पहले क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार कुचल दिया, तो उसका उत्तर आप ये लिखेंगे। और तीसरा उत्तर होगा, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो भाई अगर आप पॉलिटिकल मैप पे, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे आपको क्या क्या दिखाना है, देखो मध्य प्रदेश दिखाना है, लखनऊ दिखाना है, झांसी दिखाना है, मध्य प्रदेश दिखाना है। तो आइए देखते हैं। तो अब बेटा ये सब एरियाज यहाँ पे देख सकते हैं, मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, ये सब मेन एरियाज थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।